हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड है और डाटा स्ट्रक्चर के लिंक लिस्ट के अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज करके ये प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, अब लिंक लिस्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज से बना हुआ है, उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, हर नोड का दो सेगमेंट होता है जिसपे एक सेगमेंट होता है डाटा का और दूसरा सेगमेंट होता है एड्रेस का। अब उसमें भी क्या डिवाइडेड है, एक प्रीवियस नोड में, एक नेक्स्ट नोड में। ठीक है, मतलब आगे और पीछे। अब क्या होता है कि लिंक लिस्ट चार कैटेगरी के होते हैं, जिसमें होता है सिंगली हो गया, डबली हो गया, सर्कुलर हो गया और सर्कुलर डबली हो गया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट डबली लिंक लिस्ट पे बेस्ड है, जहाँ पे एक नोड पे दो एड्रेस है, एक बीच में डाटा फील्ड है, एक नोड जो रिफरेंस कर रहा है आगे नेक्स्ट को और दूसरा जो पीछे को कर रहा है प्रीवियस नोड को। तो ये प्रोजेक्ट है एक मार्केट सिस्टम का, जहाँ पे हम लोग कोई भी बिलिंग करने जाते हैं कोई भी मार्केट में, तो वो मार्केट का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, उसका क्वांटिटी डाल सकते हैं, उसका प्राइस डाल सकते हैं और कोई भी यूजर आया तो नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से वो परचेज कर सकता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में और मैं आपको कोड भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको पहले वर्क फ्लो बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं कोड पे आऊँगा। तो पहले मैं ये देखिए हमारा ये पूरा कोड है, मैं इसको अभी बिल्ड और रन करूंगा। ठीक है, जैसे आप बिल्ड करिएगा ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको नज़र आ जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये मैंने स्विच कंडीशन लगाया है। यहाँ पे देखिए ऐड प्रोडक्ट हो गया, अब ऐड प्रोडक्ट ऐड फर्स्ट पोजिशन हो गया, ऐड प्रोडक्ट आफ्टर अ गिवन पोजिशन, मतलब जो हम लोग देंगे उसको स्पेसिफिक जगह कि हाँ भाई इधर ऐड करना है तो वहाँ पर ऐड करेगा। ठीक है, अब चार नंबर में देखिए, अगर चार दबाएंगे तो क्या करेगा, डिलीट प्रोडक्ट ऐड लास्ट पोजीशन, मतलब जो प्रोडक्ट लास्ट में है वो उसको डिलीट करेगा। और फिफ्थ नंबर में देखिए, डिलीट प्रोडक्ट एट फर्स्ट पोजीशन, मतलब ये पहले वाली पोजीशन को डिलीट करेगा। ठीक है, डिलीट सिक्स्थ में डिलीट प्रोडक्ट एट आफ्टर अ गिवन पोजीशन, और सेवन्थ में डिस्प्ले, एट में बाय और नाइन में सर्च। इसमें क्या क्या ऑपरेशन है मैं आपको समरी में बता देता हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं एट डिफरेंट पोजिशन, डिलीट भी कर सकते हैं एट डिफरेंट पोजिशन, हम लोग देख भी सकते हैं जो भी डाटा हम लोग डाल रहे हैं वो देख सकते हैं और उसको हम परचेज भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको सर्च करना है तो वो सर्च कर सकते हैं कि वो चीज़ ये स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, पहले हम कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले प्रोडक्ट डालूंगा, देख लीजिए यहाँ नंबर वन पे। ठीक है, मैं वन नंबर, तो यहाँ पे मैं वन डालता हूँ। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, इंटर प्रोडक्ट आईडी, मतलब प्रोडक्ट का आईडी क्या डालना चाहते हैं आप, तो मैं अभी वन डाल देता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम में, मैं प्रोडक्ट नेम में बिस्किट डाल देता हूँ। ठीक है, अब इंटर क्वांटिटी पूछ रहा है मेरे से, तो मैं 50 डाल देता हूँ। और इंटर प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का, मतलब एक क्वांटिटी का कितना दाम है, तो वो मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे ये अपीयर हो रहा है। देख लीजिए, प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी और प्राइस। अब यहाँ पे मैं दूसरा भी आपको डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब टू नंबर में हमारे देखिए, अब यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मैं एक फिर से ये डाटा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में ऐड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी टू, अब प्रोडक्ट नेम में मैं 100 डाल देता हूँ। अब इंटर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो इंटर क्वांटिटी में 100 डाल देता हूँ, और हर क्वांटिटी का मैं, मतलब एक क्वांटिटी का मैं 10 डालता हूँ प्राइस। अब देखिए मैं इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, टू नंबर में 100 100 क्वांटिटी 10 प्राइस हो गया। अब मैं यहाँ का जो भी ऑपरेशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ऐड प्रोडक्ट ऐट फर्स्ट पोजीशन, मतलब मैं अगर 2 डालूंगा तो ये कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ ये पहले वाले पोजीशन में डालेगा, मतलब एक के ऊपर डालेगा। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मैंने डाला। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी, तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंस दे देता हूँ 1-1 के 2 डिजिट में। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम में मैं क्या डालूंगा, टी डाल देता हूँ। ठीक है, इंटर क्वांटिटी, इंटर क्वांटिटी में मैं 60 डाल देता हूँ, मतलब 60 डाल देता हूँ। और इंटर प्राइस ऑफ इच, तो मैं एक का 20 डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले करके, देखिए 1 के ऊपर आ गया, तो हमारा ये नोड काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ऐड प्रोडक्ट आफ्टर अ गिवन पोजीशन। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं थर्ड नंबर में। अब इंटर प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोडक्ट आईडी आपका कुछ भी डाल दीजिए, मैं 21 डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट नेम बुक 100 डाल देता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं इंटर प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट, मतलब
मैं इसका 18 डाल देता हूँ, 18। अब ये पूछ रहा है कि आप कहाँ प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, इंटर द प्रोडक्ट आईडी आफ्टर विच द प्रोडक्ट हैज़ टू बी इंसर्टेड। तो ये देखिए, मैं वन के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं वन लिखता हूँ इसको। अब देखते हैं कैसे आ रहा है, देखिए हमारा ये आ चुका है वन के बाद, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ फोर नंबर में, जैसे मैं फोर नंबर डालता हूँ ये क्या करता है देखते हैं, डिलीट प्रोडक्ट एट लास्ट पोजिशन। तो हमारा लास्ट पोजीशन में देखिए यहाँ पे कौन सा लास्ट पोजीशन है, टू, टू नंबर में क्या है, सोप है, तो ये हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं सेवन में, देखिए यहाँ से हमारा उड़ चुका है, ठीक है। अब ये देखिए, डिलीट द प्रोडक्ट एट फर्स्ट पोजीशन, मतलब जो हमारा ऊपर है सबसे वो जाएगा, दिखाता हूँ मैं अभी आपको, फिफ्थ नंबर में डाला मैंने और इंटर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ऊपर था वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब ये मैं ये पोजीशन मैं करता हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले करके सेवन में, देखिए ये भी हमारा उड़ चुका है। अब डिलीट वो प्रोडक्ट आफ्टर अ गिवन पोजीशन, अब यहाँ पे दो ही डाटा है, मैं एक डाटा ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से मैं ऐड करने के लिए मैं वही प्रोसेस डालूंगा, एक फर्स्ट प्रोडक्ट में मुझे ऊपर नीचे नहीं डालना है, मैं पहले ही डालूंगा जो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वन डाला, अब यहाँ पे फाइव नहीं है, ठीक है, तो मैं फाइव डाल देता हूँ, ठीक। अब प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे क्या क्या है, बिस्किट और बुक है, तो मैं यहाँ पे फिर से मैं शॉप डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका क्वांटिटी कितना है, 100 डाल देता हूँ, और एक क्वांटिटी का कितना प्राइस है, 10 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हो चुका है हमारा। अब देखते हैं एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, देखिए फाइव नंबर शॉप, क्वांटिटी 100 और प्राइस 10। अब क्या करना है हमको, अब मुझे सिक्स नंबर में क्या करना है, डिलीट प्रोडक्ट एट आफ्टर अ गिवन पोजिशन, मतलब कोई भी पोजिशन है उसके बाद मुझे ये डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वन डालता हूँ, ठीक है, नहीं पहले मुझे क्या डालना पड़ेगा, सिक्स, ठीक है, सिक्स में डालता हूँ। तो देखिए अब ये पूछ रहा है, इंटर द प्रोडक्ट आफ्टर विच द नोड हैज़ टू बी डिलीटेड, ओके, मतलब एक में डालता हूँ, देखिए 21, मैंने एक डाला तो ये एक के बाद 21 इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, देखिए 21 डिलीट हो चुका है। अब मुझे बाई करना है और सर्च करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ और डिटेल में यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, ठीक है, मतलब आपको देखने में भी फ़र्क लगे कि हाँ ये कैसे काम हो रहा है। तो मैं एक प्रोडक्ट डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वन और इंटर प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पे वन और फाइव है, मतलब मैं टू डाल सकता हूँ। प्रोडक्ट नेम में ये मैं कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है, और क्वान्टिटी में क्या है हमारा, क्वान्टिटी में मैं 75 डाल देता हूँ, ठीक है, और प्रोडक्ट में मैं इसको 35 डाल देता हूँ, 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे आ रहा है, देखिए 152 बिस्किट सो कर्ड, ये क्वांटिटी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं बाई करने वाला हूँ, आपको बाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंटर 8। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू बाई, ठीक है। तो मैं दो आइटम बाई करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए दो आइटम मैं कर रहा हूँ, अब ये पूरा आपको दिखा दिया कि भाई मेरे स्टोर में ये चीज़ है, अब यहाँ से कितना तुमको चाहिए अपना देख लो, ठीक है। अब ये देखिए टोटल प्रोडक्ट्स इन आवर स्टोर इज़ 3, मतलब जितना भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आपको दिखा देगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये काउंट करके, ठीक है। अब इंटर आईडी ऑफ आइटम दैट यू वांट टू बाय, अब ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, ये हमारा क्या है आईडी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बिस्किट चाहिए तो मैं एक डालूंगा, ठीक है। अब हाउ मेनी क्वान्टिटीज यू वॉन्ट टू बाय, अब देखिए हमारे पास 50 है तो मैं 5 क्वांटिटी, आपको देखिएगा डिफरेंस देखिएगा, मैं 5 क्वांटिटी ही घटा रहा हूँ, मैं मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने यह दो बार डाला था ना, इसलिए ये दो बार पूछ रहा है मेरे से, इंटर आईडी आइटम दैट यू वांट टू बाय, अब मुझे क्या चाहिए, कर्ड चाहिए, तो कौन सा है, 2, ठीक है, मैं 2 डालूंगा। अब हाउ मेनी क्वांटिटीज यू वांट टू बाय, 75 है तो मैं यहाँ से 5 को हटा देता हूँ, ठीक है, ये आपको ईजी रहेगा, नहीं तो मैं आप चाहिए मैं 70 हटा देता हूँ, मतलब 5 ही क्वांटिटी रहेगा इसका, दिखा देता हूँ आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इंटर किया, देखिए यू हैव बॉट बिस्किट एंड कर्ड, मतलब मैंने सोप नहीं बाई किया, मतलब ये दिखा रहा है आपको कि मैंने बिस्किट और कर्ड परचेज किया है जिसका ओरिजिनल प्राइस है 2525। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, 5% डिस्काउंट दे के आपका ये प्राइस बन रहा है, ठीक है, थैंक यू फॉर द शॉपिंग। अब मैं आपको 7 डाल के दिखाता हूँ ये क्वांटिटी में चेंज आया है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये उल्टा हो गया, अभी क्वांटिटी यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कर्ड वाले सेक्शन में 70 क्वांटिटी लिया था तो 5 बचा है, और बिस्किट वाले में
45 बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सर्च मतलब, अब देखिए बिस्किट सोप कर्ड है, ठीक है। मैं नाइन सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ऑपरेशन सर्च करने में इंटर प्रोडक्ट नेम। अब मेरे पास बिस्किट था, ठीक है। अब मैं बिस्किट सर्च करता हूँ, प्रोडक्ट इज अवेलेबल। मैं कुछ सर्च करता हूँ दूसरा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वाइन सर्च करता हूँ, ठीक है। देखिए आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से बाय करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा और भी फंक्शनलिटी है जो कि आप मेरे को दिखा देता हूँ, इंटर एट, ठीक है। यू वॉन्ट टू बाय, अब देखिए मुझे दो आइटम चाहिए, मैं दो करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटर आईडी आइटम डेट यू वॉन्ट टू बाय। अब इसके बाहर का आईडी आप डालिए तो देखिए क्या करता है, आपको दिखाई देता हूँ। देखिए दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन आवर स्टोर एट दिस टाइम, इंटर द आईडी दैट यू वॉन्ट टू बाई। मतलब ये फिर से आपको दे रहा है कि हाँ भाई दूसरा आईडी डालो जो कि अवेलेबल है, मतलब यहीं से आपको उठाना है, ये नहीं कि आपको कोई भी डाल दिए, ये सारा चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट का एक वर्क फ्लो था। अब मैं थोड़ा कोड के बारे में आपको सिखा देता हूँ कि कोड कैसे कैसे वर्क फ्लो काम हो रहा है, ठीक है। ये हमारा, मैं फिर से मैं बता देता हूँ, ये हमारा डबली लिंक लिस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जो इंपोर्ट करने वाला फाइल सब है ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आईओ स्ट्रीम हो गया, स्ट्रीम हो गया, एफ स्ट्रीम और एस स्ट्रीम क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम होता है, ये दोनों लाइब्रेरी का फाइल है, मतलब सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फाइल है जो कि टेम्पलेट प्रोवाइड करता है और ये इंटर ऑपरेशन फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ये तो हो गया। ये हमारा कुछ फंक्शन है जो कि ये चेक करेगा, डिस्प्ले करेगा या यहाँ पे हमारा सर्च करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड, मतलब ये नोड क्रिएट कर रहा है जो कि मैंने बताया था आपको, एक नोड होता है और जो कि आगे वाले एड्रेस पे पॉइंट करता है और पीछे वाले एड्रेस पे पॉइंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने, ये आपको इजी होने के लिए मैंने बता दिया है एक्स और वाई क्या होता है। हमारा यहाँ एक्स क्या है, क्वांटिटी है, और वाई क्या है, प्राइस है। ध्यान से देखिएगा, एक्स क्वांटिटी है और वाई प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट नल यहाँ पे हो गया। अब ये क्या कर रहा है, नोड को क्रिएट कर रहा है, मतलब कोई भी मैंने जब कोई भी डाटा मैंने डालना था तो मैं कैसे क्रिएट किया, मैंने कैसे फर्स्ट टाइम में मैंने डाटा डाला, तो वो क्या होता है, एक नोड मैंने क्रिएट किया, उसमें मैंने डाटा डाली जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया और प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए सीन हो गया और ये नेक्स्ट नल प्रीवियस नल, कोई बात नहीं। इंसर्ट नोड, ये क्या करता है, नोड को इंसर्ट करता है यहाँ पे, और ये क्रिएट नोड, ये जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये यहाँ पे आएगा और ये सारा इन्फॉर्मेशन फिर से आपको लेगा, मतलब कोई भी आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो बेसिक सा ये इन्फॉर्मेशन लेगा जो हम तो वर्क फ्लो में देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रैवर्स करेगा, इफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये करता रहेगा और ये आप देख लीजिए, और ये फंक्शन है जो कि वो ट्रैवर्स करता है जब तक कि नल ना हो, मतलब वो लास्ट तक ना जाए तब तक ट्रैवर्स करता रहता है और वो हिसाब से अपने एक नोड को असाइन करके वहाँ पे हमारा एक डाटा क्रिएट करता है, ठीक है। एड बिगनिंग मतलब ये पहले शुरू में, ठीक है। एड आफ्टर मतलब मैंने दिखाया था आपको कुछ प्रोडक्ट के बाद, मतलब ये कुछ पॉइंट के बाद ये कैसे होता है, यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ। एड बिगनिंग में हम लोग क्या किए, टेम बोल के एक नोड क्रिएट किए, वो टेम क्या किया, क्रिएट नोड मतलब इसने एक नोड बनाया और उस नोड को स्टार्टिंग में ही डाल दिया। स्टार्टिंग मतलब हम लोग स्टार्ट पहले नल डिक्लेयर किए हैं, स्टार्टिंग मतलब नल डिक्लेयर किए हैं और उस पर जाके ये डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट प्रीवियस टेम्प में कर दिया और स्टार्ट को टेम्प का जो भी डाटा है उसको स्टार्ट में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या किया, ये फंक्शन है जो कि बिगनिंग में ऐड किया गया है, और ये ऐड आफ्टर मतलब जो भी एक पोजीशन है उसके बाद कैसे डाटा डालना है वो चीज़ें हैं। जैसे ये मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये इसमें नोड क्रिएट हुआ है जो कि क्या किया है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये टेम्प नोड क्या करता है, क्रिएट नोड मतलब जो भी हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या करता है, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे मैंने क्या डाला है, इंटर द प्रोडक्ट आईडी आफ्टर विच द प्रोडक्ट हैज़ टू बी इंसर्टेड, ठीक है। वहाँ पे ये वैल्यू हो गया, ये फिर से एक नोड क्रिएट किया जो कि ट्रैवर्स मतलब ये ट्रैवर्स करेगा वो पोजिशन तक, मतलब जो पोजिशन हम लोगों ने डाला था उसके बाद का जो पोजिशन है वो डिलीट करने के लिए, सॉरी ऐड करने के लिए वो चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं जब तक वो डाटा नहीं आता है तब तक ये ट्रैवर्स होते रहेगा, जैसे आ जाएगा ये अपना परफॉर्म करेगा, मतलब जो आगे वाला होगा वहाँ पे वो जगह लेके उसको ऐड कर देगा, ठीक है। और जो आगे वाला डाटा होगा उसको और आगे कर देगा, जो पीछे का डाटा होगा पीछे करके वहाँ पे बीच में एक स्पेस ला के उसको डाल देगा, ठीक है। अब ये डिस्प्ले जो हम लोग 7 डाल के डिस्प्ले करते थे वही है, यहाँ पे एक नोड क्रिएट किया है जो कि स्टार्ट, जो कि फिर से हम लोग नल पे पॉइंटर किए हैं और नल पे ये सिस्टम CLS मतलब जो भी पहले से हम लोग ऑपरेशन करते आ रहे हैं, सिस्टम CLS मतलब ये इसके मदद से
वो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और फिर से आपका एक फ्रेश डाटा रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने बताया था ऑलमार्ट स्टोर है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया और ये प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये फिर से ये ट्रैवर्स कर रहा है जो भी डाटा है आपके पास, जो भी डाटा एट अ मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे डाटाबेस का काम नहीं है, एट अ मोमेंट जो भी आप डाल रहे हैं वो जो भी डिटेल है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब डिलीट बिगनिंग, जैसे एड बिगनिंग है वैसे ही डिलीट बिगनिंग हो गया, वो जो भी डाटा हमारा शुरू में है स्टार्टिंग में है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। ये डिलीट एंड मतलब जो भी लास्ट में है वो डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जब तक नल मतलब एक लास्ट का पॉइंटर जो नल होता है उस पॉइंटर को नल तक ये ट्रेवर्स करेगा, जैसे वो नल आ जाता है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के बाद ये बाहर निकल के वो जो पर्टिकुलर डाटा है उसको डिलीट करके वो उधर रेफरेंस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉय डिलीट आफ्टर मतलब ये उस एक जो भी पोजिशन हम लोग डाल रहे हैं वहाँ तक पहुँच के उसके बाद जो भी पोजिशन है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं। अब बाय मतलब ये खरीदने के टाइम में, अभी इस सिस्टम चले से ये तो मैंने बता दिया, ये क्लियर कर देगा स्क्रीन को। ये प्रोडक्ट जो कि एरे में हम लोग ले रहे थे, देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू बाय 2 और 3, और 3 बार चलता था या 2 बार चलता था, तो वही ये एरे में हम लोग ने लिया है। और P0CFI और यहाँ पे देखिए ये होने के बाद अब ये स्टार्ट हो गया, देर इज नो आइटम टू बाई मतलब अगर नहीं है नल है, अगर कोई भी हम लोग के पास नहीं है तो वो क्या बताएगा, देर इज नो आइटम्स टू बाई, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला और जैसे देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, मैंने अभी फ्रेश मैंने किया है। अब मैं सीधा मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देर इज नो आइटम्स टू बाय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, हाउ मेनी आइटम्स यू वॉन्ट टू बाई जो मैंने आपको दिखाया था, एक नंबर लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, जो भी नंबर ऑफ आइटम वो लेना है और उसके बाद ये अपना हिसाब से करते जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग जो भी डाटा लेना है उसके हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए, क्वांटिटीज का एक पहले से ही हम लोग प्राइस एक छुटा दिया है, मतलब प्राइस एक दे दिए हैं कि हाँ एक क्वांटिटी का इतना प्राइस है, अब जो भी आप क्वांटिटी लेते हैं उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके वो दे देता है, ठीक है। अगर वो डाटा नहीं है तो यहाँ देखिए, अगर वो चीज़ नहीं है तो ये क्या बता देगा, दिस दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन आवर स्टोर एट दिस टाइम, ये सारा चीज़ मैंने दिखाया है। और यहाँ पे आपको बता देगा यू हैव बॉट मतलब जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट बता देगा, ठीक है। अब पे इक्वल टू पे इंटू 0.95 मतलब 5% डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस है आपको वो प्राइस भी दिखाया था, वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सर्च ऑपरेशन मैंने सर्च भी आपको दिखाया था कि वो प्रोडक्ट है या नहीं, मैंने वर्क फ्लो में आपको वो सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है। डिस्प्ले ये तो आपको पता ही है ये कैसे डिस्प्ले करता है, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने डिस्प्ले करता था वो प्रोडक्ट सारे डिटेल आपको दिखा देता था, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया या आईडी वगैरह, ठीक है। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन टोटल प्रोडक्ट्स इन आवर स्टोरी मतलब कोई जितना भी प्रोडक्ट है वो, ये डिस्प्ले और वो डिस्प्ले अलग था, ठीक है, ये बाय करने के टाइम में। अब ये चेक चेक ये चेक करेगा कि हमारे स्टॉक में है कि नहीं वो चीज़ें, जो भी क्वांटिटी जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड किए वो जब बाय करने के टाइम में वो है या नहीं, ठीक है। वो अगर नहीं है तो ये आउट ऑफ स्टॉक बताएगा, है तो वो क्वांटिटी रिटर्न करेगा, ठीक है। सर्च, अब सर्च में मैंने आपको दिखाया था कि प्रोडक्ट नाम में मैं सर्च जब डालता था वो एक बताता था कि अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, है तो ठीक है, नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट इज अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया मेन फंक्शन, यहाँ है मेन फंक्शन, ये बाकी स्विच कंडीशन है, मैं ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया है, लेकिन मेन फंक्शन जब भी कोड चलेगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मेन में आएगा, मेन इंट मेन में, ये सिस्टम कलर जो भी आप ब्लू स्क्रीन देख रहे थे वो इसकी बदौलत है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च करिए सिस्टम कलर, ये आपको अपने हिसाब से दे देगा, आप जो भी कलर डालना चाहते हैं कलर डाल सकते हैं। और ये इंट ऑप्शन हो गया, जो ऑप्शन मैं डालना चाहता हूँ, जैसे मैं 1 4 ऐड प्रोडक्ट, 2 4 ऐड प्रोडक्ट, ऐड फर्स्ट पोजिशन, ये ऐसे है जो भी इनपुट लेना है मैं ले सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये कंडीशन चलता रहेगा, ठीक है, ये आपको एक बार में सारा चीज़ दिखाएगा। अब ये देखिए इंटर, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन को ले रहा हूँ, वो लेके यहाँ स्विच कंडीशन में आ रहा है, जैसे वो स्विच कंडीशन उस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, वो चीज़ वो फंक्शन को ये कॉल करके वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं एक में डाल रहा था तो इंसर्ट नोड, अब ये देखिए ऐड प्रोडक्ट, एक नंबर में ऐड प्रोडक्ट है, ये इंसर्ट नोड, इंसर्ट नोड मतलब वो वहाँ पे फंक्शन में चला जाएगा इंसर्ट नोड में, और वहाँ से वो फंक्शन अपना जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म करेगा, उसके बाद ब्रेक, फिर ऐड बिगनिंग, ब्रेक, ऐसे करके हमारा ये 9 सर्च तक है, ठीक है, अगर जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, मतलब ये लूप में ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है पूरा वर्क फ्लो और कोड के साथ। तो आप मेरे गिटहब में अकाउंट में जाके ये डाउनलोड करके ये डायरेक्टली चला सकते हैं, परफेक्टली चलेगा, अब इसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आराम से चलेगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप कोड उठा सकते हैं
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। हम लोग इसी तरह का और भी प्रोजेक्ट और भी कोर्सेज रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपके पास लाते रहेंगे और डिफरेंट नया नया कॉन्टेंट के साथ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।